गंगा दशहरे के पर्व पर हरिद्वार में भारी संख्या में श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं हरिद्वार के हर की पौड़ी पर ही मौजूद हूं और सुरक्षा के क्या इंतजाम है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। इस साइड से आप देखेंगे तो ये बाज़ार का एरिया है, पूरा जो हरिद्वार का मुख्य बाज़ार है, ये यहाँ से बाज़ार की साइड से ही तमाम जो यात्री हैं वो हर की पौड़ी पर स्नान के लिए पहुँच रहे हैं। दूर दूर तक आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद नहीं है, सुरक्षा के बहुत ज़्यादा इंतजाम नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जो हर की पौड़ी की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी है, यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद हैं और यहीं से वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। कोई व्यक्ति खो जाता है, बच्चा खो जाता है, तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे की जाती है, यहीं से अलाउंसमेंट किया जाता है और बच्चे को या किसी भी बुजुर्ग को ढूंढने के में ये मदद करती है पुलिस फोर्स, यहाँ मदद करती है। शहर के अंदर की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ पर पूरे शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है। तो आप देख रहे हैं श्रद्धालु कितनी भारी संख्या में माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। पूरा जो हर की पौड़ी का एरिया है ये पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है, तमाम श्रद्धालु दूर दार से यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं मंदिरों में और माँ गंगा में आस्था की डुबकी के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात की जाए तो पुलिस के जवान हर की पौड़ी के आसपास के एरिया में मौजूद हैं। जो हर की पौड़ी का एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस के जवान मौजूद नहीं है, यहीं पर तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं श्रद्धालुओं को हो रही हैं। उसके अलावा जो जाम जो ट्रैफिक है उससे भी लोगों को एक दो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ, क्योंकि ये हर की पौड़ी का एंट्री गेट है और एंट्री गेट पर आप देखेंगे तो यहाँ पुलिस के जवान या मुस्तैद हैं या खड़े हुए हैं, लोगों से बता रहे हैं उन्हें कहाँ जाना है, किस तरह से उनको समस्या ना हो, उनको आगे किस तरह से भेजा जाएगा। तो तमाम जो पुलिस के जवान हैं, महिला पुलिस हो, उनके जवान यहाँ पर मौजूद हैं और आगे की एंट्री यहाँ से की जा रही है, क्योंकि यहीं से सुरक्षा की तमाम चीज़ें पुख्ता की जाती हैं। यहाँ से आगे हर की पौड़ी है और हर की पौड़ी पर तमाम श्रद्धालु स्नान करने के लिए जाते हैं, इसीलिए तमाम श्रद्धालु यहाँ आकर माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की ये आस्था आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम उत्साह तमाम श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है, यही उत्साह यही तमाम जो आस्था है माँ गंगा की इसीलिए नज़र आ रही है, तमाम श्रद्धालुओं की आस्था यहाँ नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ पूरे शहर भर में अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो शहर की अलग अलग एरियाओं में ट्रैफिक की वजह से काफ़ी दिक्कतें हैं। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा पुलिस के बहुत जवान मौजूद नहीं है, लेकिन हर की पौड़ी के आसपास कुछ जवान मुस्तैद हैं। लेकिन एरिया अंदर बात करें, हर की पौड़ी के अंदर की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। हर की पौड़ी के आसपास की एरिया में इस तरह की दिक्कतें हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु हैं, लेकिन भीड़ कंट्रोल करने के लिए, भीड़ मैनेजमेंट के लिए जो लोग पुलिस होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि क्योंकि पहले से ही पुलिस को पता था कि इतना बड़ा क्राउड, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे, उसके बावजूद भी सुरक्षा के बेहतर इंतजाम नहीं किए गए। हरिद्वार हर की पौड़ी से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।